अल्लाह ने करे कोई बच्चा गिर जाए, कोई एजेट गिर जाए, डिसबैलेंस होकर गिरता है, तो वो तो पहली बात है गाड़ी हाई ना है वो अलग बात है, लेकिन वो गिर के हड्डी टूटी अल्लाह ने करे वो जान से चला जाए, फिर प्लस जो रोड पर ट्रैफिक चल रहा है वो भी बहुत डेंजर है, रात का टाइम होता है, अंधेरा है, कोई लाइटिंग सिस्टम नहीं है, कुछ नहीं है, गवर्नमेंट को बिल्कुल एक्शन लेना चाहिए। ऊपर से जो गिरेगा तो लाजमी उस बचने की तो उम्मीद नहीं है उसकी, ये तो उन लोगों का काम है जो 30 साल से यहाँ पे सिटी गवर्नमेंट में बैठे हैं और ना रोडों को देखते हैं, ना नालों को देखते हैं, ना पुलों को देखते हैं, ना रोडों को देखते हैं, बेड़ा गर्क किया हुआ है। यहाँ की इसकी हालत भी अच्छी नहीं है, अभी इसकी डैमेज को भी रिपेयर होना चाहिए, और रात के टाइम तो आपको पता है ये पूरा भरा हुआ होता है, पूरे चर्सी लेटे हुए होते हैं, एक्शन लेना चाहिए, ये सोने की जगह नहीं है। हमें नहीं अच्छा लगता कि हम रास्ते में कोई इस तरह चर्सी लेटे हुए हों। ये बहुत ही खतरनाक ब्रिज है और आप देख सकते हैं इसके बीच से पूरा हिस्सा टूटा हुआ है, पानी भी रुका हुआ है, किसी का पाँव फिसलता है वो तो नीचे डेफिनेटली आगे गिरेगा और बंदा गया, उसके अलावा ये ब्रिज भी बहुत कमज़ोर स्ट्रॉन्ग नहीं है। शहर में मौजूद खस्ता हाल ब्रिजेस की वक्त पर मरम्मत कर ही शहरियों की जानों को महफूज बनाया जा सकता है। कैमरामैन शामिर खान के साथ शायान अली, वॉइस ऑफ कराची।